Hello and welcome to my YouTube channel RPN Sharma. Myself Nitin Kumar. Hello friends, हम कर रहे थे building construction के topics कर रहे थे, तो हमने इसके दो chapter complete कर लिए थे. आज हम करेंगे इसका third chapter करेंगे, जिसका नाम है walls. ठीक है, तो third chapter हमारे पास है walls. तो walls का हम first part से आज हम start करेंगे कि wall क्या होता है. उसके बाद हम इसके सारे topic देखेंगे जो भी syllabus में हमारे हैं. तो वॉल की हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे आज हम. इंट्रोडक्शन दैट मीन्स वॉल क्या होता है. ठीक है, तो हमारे पास है वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट ए बिल्डिंग विदाउट ए वॉल. ठीक है, तो विदाउट ए वॉल हम कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते. ठीक है, इट इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ द बिल्डिंग. अगर हम बात करें तो ये एक मेजर कंपोनेंट है बिल्डिंग का. ठीक है, मेजर कंपोनेंट ऑफ ए बिल्डिंग. इट इज यूज टू डिवाइड द स्पेस ऑफ ए बिल्डिंग और फुलफिल ऑल द बेसिक रिक्वायरमेंट्स. तो इसका जो मेन काम है, जो मेन यूज है, ये है डिवाइड द स्पेस. स्पेस को डिवाइड करना, मतलब दो स्पेसेस हमारे पास बनाए. मान लो जैसे हमारे पास ये एक रूम है, तो इसको अगर हमने डिवाइड करना है दो पार्ट्स में, तो यहाँ पे हम एक वॉल बना देंगे. ठीक है, ईटर हैज ऑल्सो प्रोवाइडेड सिक्योरिटी. तो वॉल अगर हम बनाते हैं तो हमें एक सिक्योरिटी मिल जाती है, एक प्राइवेसी मिल जाती है, एक प्रोटेक्शन मिल जाती है अगेंस्ट द वेदर एजेंसीज. ठीक है, वेदर एजेंसी से भी हमें प्रोटेक्शन मिल जाती है, लाइक सन, रेन, स्नो, वेदर एक्सेट्रा. ठीक है, तो कैसे मिल जाती है? अगर हम बात करें यहाँ पे सिक्योरिटी की, सिक्योरिटी की बात कैसे करें कि मान लो ये मेन गेट है रूम का, तो यहाँ से हम अंदर आते हैं. अगर मान लो हमने यहाँ पे वॉल बना दी, पूरी चारों तरफ वॉल हमने बनाई है, तो यहाँ पे कोई अंदर नहीं आ सकता. तो यहाँ पे सिक्योरिटी होगी, प्राइवेसी होगी, मतलब बाहर से कोई हमें डायरेक्टली नहीं दे सकता कि हम अंदर क्या कर रहे हैं. प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेदर, वेदर एजेंसी से भी हमें प्रोटेक्शन मिल जाती है, जैसे धूप, डायरेक्टली धूप यहाँ पे अंदर नहीं पड़ेगी हमें. फिर उसके बाद बारिश की बात करें, तो बारिश हमारे पास अंदर नहीं आएगी. स्नो या फिर वाटर भी हमारे पास अंदर नहीं आएगा वाल की वजह से. ठीक है, इट इज़ ए वर्टिकल लोड बेरिंग मेंबर. ठीक है, तो जो वाल होती है ये एक वर्टिकल लोड बेरिंग मेंबर है. ठीक है, वर्टिकल लोड बेरिंग मेंबर. वर्टिकल लोड बेरिंग मेंबर इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि जो वाल है होती है ये वर्टिकली हम डालते हैं, ये वर्टिकली दैट मीन्स जैसे होती है वाल. तो लोड बेरिंग मेंबर दैट मीन्स इस पे स्ट्रक्चर का लोड होता है कुछ. ठीक है, एंड ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू फ्लोर एंड रूफ. फ्लोर और रूफ को ये सपोर्ट करता है. ठीक है, फ्लोर एंड रूफ को ये सपोर्ट करता है. फ्लोर हमारे पास हो गया सिंपली जिसमें हम चलते हैं, और रूफ हो गया हमारे पास छत. ठीक है, इट मे बी कंस्ट्रक्टेड ऑफ ब्रिक्स और स्टोन्स. तो जो भी हमारे पास वॉल बनती है वो हम ब्रिक्स से भी बना सकते हैं वॉल, स्टोन्स की भी वॉल हम बना सकते हैं. ठीक है, तो इसके बाद इसके कुछ नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम देख लेते हैं. द कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ मटेरियल. ठीक है, तो जो भी वॉल की को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं वो डिपेंड करता है कि हम कौन से टाइप का मटेरियल हम यूज कर रहे हैं वॉल को बनाने के लिए. अकॉर्डिंग टू द मटेरियल दीज आर क्लासिफाइड एज ब्रिक मैसनरी एंड स्टोन मैसनरी. ठीक है, तो अगर हम मटेरियल के बेसिस पे देखें तो वॉल्स की हमारे पास बहुत सारी टाइप्स हैं, जैसे कि हमारे पास ब्रिक मैसनरी आ जाती है. ब्रिक से अगर वॉल बनाते हैं तो ब्रिक मैसनरी आ गई, स्टोन से बनाते हैं तो स्टोन मैसनरी आ गई, विंग, मोर्टार, रेनफोर्स्ड, ठीक है, टिम्बर, कंक्रीट, पार्टीशन वॉल्स. तो ये बहुत सारे टाइप्स की हमारे पास वॉल्स हैं, क्लासिफिकेशन है वॉल्स की. अगर ब्रिक से बनाते हैं तो ब्रिक मैसनरी, स्टोन से बनाते हैं स्टोन मैसनरी, ठीक है, मोर्टार से बनाते हैं मोर्टार बोलते हैं उसको, रेनफोर्स दैट मीन्स अगर सीमेंट कंक्रीट से बनाते हैं, टिम्बर यानी लकड़ी से बनाते हैं, कंक्रीट यानी सिंपली कंक्रीट यूज करके बनाते हैं, देन पार्टीशन वॉल खाली पार्टीशन करने के लिए हम वॉल बनाते हैं. तो अलग अलग हमारे पास वॉल्स की क्लासिफिकेशन हैं. ठीक है, दीज आर यूज टू ट्रांसफर द लोड फ्राम द रूफ टू द प्लिंथ बीम. ठीक है, तो ये वाल्स सारी क्या करती हैं, ये ट्रांसफर करती हैं लोड को. ठीक है, लोड को ट्रांसफर करती हैं फ्राम द रूफ टू द प्लिंथ बीम, मतलब रूफ से छत से लेके प्लिंथ बीम तक ये हमारे पास ट्रांसफर करती हैं लोड को. दीज आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द बिल्डिंग इन सम केसेस. तो मतलब बिल्डिंग को भी ये सपोर्ट करती हैं सम केसेस में ये वाल्स. ठीक है, आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा बिल्डिंग के इसके वॉल्स के बारे में कि वॉल्स क्या होता है. आगे हम इसके और भी टॉपिक देखेंगे. नेक्स्ट हमारे पास है इंपॉर्टेंट इसी में टॉपिक वॉल्स में हमारे पास टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ वॉल्स. ठीक है, तो कौन कौन सी ऐसी एडवांटेजेस हैं वॉल्स की.
तो हम देख लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले एडवांटेजेस है, दीज आर यूज्ड टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेदरिंग एजेंसीज। ठीक है, तो हम इसको किसके लिए यूज करते हैं? प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेदरिंग एजेंसी, जो भी वेदरिंग एजेंसी है उससे हमें ये प्रोटेक्ट करती है वॉल। ठीक है, तो वेदरिंग एजेंसी मैंने पहले ही आपको बता दिया, जैसे स्नो, विंड, रेन वगैरह, तो वो आ गए हमारे पास वेदरिंग एजेंसीज। ठीक है, दूसरा हमारे पास इसका एडवांटेज है, दीज आर यूज्ड फॉर द सिक्योरिटी पर्पज, जो हमने पहले ही देखे कि हम इसको सिक्योरिटी पर्पज के लिए यूज करते हैं। ठीक है, दीज आर यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू फ्लोर एंड रूफ। ठीक है, तो ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, फ्लोर एंड रूफ को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं ये वॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट एडवांटेज की बात करें हम अगर, तो वो हमारे पास है, दीज आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट। ठीक है, हीट से हमें बचाती है ये, कोल्ड से, ठंडी से हमें बचाती है, अदर पर्पस भी इसके बहुत सारे हैं। उसके बाद हमें इससे प्राइवेसी मिलती है, ठीक है, जो हमने ऊपर भी देखा था। दीज आर यूज टू डिवाइड द अवेलेबल स्पेस, उसके बाद अवेलेबल स्पेस को डिवाइड करने के लिए हमारे पास वॉल्स का हम यूज करते हैं। टू फुलफिल द बेसिक रिक्वायरमेंट्स, दीज आर ऑल्सो यूज टू डिवाइड द स्पेस एज पर द रिक्वायरमेंट। ठीक है, नोट में देखें हम, द इम्पोर्टेंस पर्पजेज एंड यूजेज ऑफ वॉल्स आर द सेम एज इट्स एडवांटेजेस, सो डिडंट कंफ्यूज फॉर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो मान लो अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि इम्पोर्टेंस लिखो वॉल्स की, ठीक है, वॉल्स की इम्पोर्टेंस लिखो, तो वॉल्स की इम्पोर्टेंस आपकी जो एडवांटेजेस हैं वही आपने लिख लेनी है, या फिर बोलेंगे कि पर्पज क्या है वॉल्स का, तो आपको सेम यही एडवांटेजेस लिख लेनी है। ठीक है, अगर पूछेगा कोई यूजेस क्या है वॉल्स के, तो आपको सेम यही लिखना है, एडवांटेज चीजें लिखनी है। तो जो भी जिस तरीके का भी क्वेश्चन पेपर में आ जाए, तो आपको यही लिखना है, एडवांटेजेस लिखनी है। तो ये एडवांटेजेस ही, ये इसके इंपॉर्टेंस भी है, इसके पर्पस और इसके यूजेस, सारा कुछ यही है। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसी में टॉपिक हमारे पास वॉल्स में टॉपिक है हमारे पास टाइप्स ऑफ वॉल्स। तो कौन कौन सी टाइप्स हैं वॉल्स की, हम देख लेते हैं। तो जो बेसिक टाइप हैं, जो हमारे पास मेनली 3 टाइप्स हैं वाल्स के, तो वो कौन कौन से हम देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारे पास लोड बेयरिंग वाल्स, दूसरा हमारे पास है नॉन लोड बेयरिंग वाल्स, एंड तीसरा हमारे पास रिटेनिंग वाल्स एंड ब्रेस्ट वाल्स। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स की हमारे पास वाल्स हैं, ये हम आगे देखेंगे। और भी काफ़ी सारे टाइप की वाल्स हैं, तो वो अलग अलग टाइप से हैं डिपेंडिंग अपॉन मटेरियल। तो जो बेसिक जो वाल्स की टाइप्स, वाल्स को हम डिवाइड करते हैं, वो 3 टाइप में करते हैं। एक आ गया लोड बेयरिंग वाल्स, एक आगे नॉन लोड बेयरिंग वाल्स, एक आगे हमारे पास रिटेनिंग वाल्स एंड ब्रेस्ट वाल्स। ठीक है, तो इनको हम आगे डिफाइन करेंगे कि लोड बेयरिंग वाल्स क्या होता है, नॉन लोड बेयरिंग वाल्स क्या होता है, रिटेनिंग वाल्स एंड ब्रेस्ट वाल्स क्या होता है। तो हम कर रहे थे टाइप्स ऑफ वाल्स में, हमारे पास सबसे पहली टाइप है लोड बेयरिंग वाल्स। ठीक है, तो लोड बेयरिंग वाल्स हमारे पास कौन सी वाल्स होती हैं हम देख लेते हैं। ठीक है, और इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं वो भी हम देखेंगे। ठीक है, विच सपोर्ट द एंटायर लोड ऑफ द बिल्डिंग, मतलब लोड बेयरिंग वाल्स वो होगी जो कि बिल्डिंग का जितना भी एंटायर लोड है उसको सपोर्ट करती हैं। ठीक है, लोड बेयरिंग वाल्स आर द वाल्स विच सपोर्ट द एंटायर बिल्डिंग लोड, जितना भी लोड बिल्डिंग का पड़ रहा है उसको पूरे को सपोर्ट करती हैं ये वाल्स। ठीक है, इंक्लूडिंग देयर ओन आर नोन एज द लोड बेयरिंग वाल्स। ठीक है, इंक्लूडिंग देयर ओन मतलब अपना जो भी लोड है वाल्स का वो भी बेयर करना, और जो भी बिल्डिंग का लोड है वो भी सपोर्ट करना, तो वो कौन करती हैं? लोड बेयरिंग वाल्स। ठीक है, दीज आर बिल्ट ऑन ए कंटिन्यूस फाउंडेशन एंड मस्ट हैव सफिशेंट स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये एक कंटिन्यूस फाउंडेशन पे बिल्ट की जाती हैं, बनाई जाती हैं वाल्स, और इसकी जो हमारे पास स्ट्रेंथ है वो सफिशेंट होनी चाहिए। अगर सफिशेंट स्ट्रेंथ नहीं होगी तो ये जो सुपर स्ट्रक्चर, जो भी ऊपर का स्ट्रक्चर है, उसके लोड को ये बियर नहीं कर पाएंगी। ठीक है, दीज वाल्स आर यूजली कंस्ट्रक्टेड एज मेन वाल्स। ठीक है, तो इन वाल्स को हम एज ए मेन वाल्स कंस्ट्रक्ट करते हैं आप बिल्डिंग, एंड मे बी सॉलिड आर हॉलो, तो ये वाल सॉलिड भी हो सकती हैं और हॉलो भी हो सकती हैं। सॉलिड आ गया मतलब पूरी भरी हुई, और हॉलो आ गया बीच में खाली जगह भी इसमें हो सकती है। ठीक है, तो इसकी अगर हम क्लासिफिकेशन देखें लोड बेयरिंग वाल्स की, तो इसके टाइप्स हैं लोड बेयरिंग वाल्स के, वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारे पास सॉलिड मैसनरी वाल, सेकेंड है विनियर्ड वाल, थर्ड है फेस्ड वाल, एंड फोर्थ इसमें है कैविटी वाल। तो इनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि सॉलिड मैसनरी वॉल क्या होता है, विनीर्ड वॉल क्या होता है, फेस्ड वॉल क्या होता है, कैविटी वॉल क्या होता है हमारे पास। ठीक है, तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं सॉलिड मैसनरी वॉल। सॉलिड मैसनरी वॉल में हमारे पास क्या है? इट कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑफ ब्रिक्स। ठीक है,
ये हम ब्रिक्स से बनाते हैं, इसमें क्ले यूज करते हैं, कंक्रीट ब्लॉक्स यूज करते हैं और स्टोन यूज करते हैं, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज द हॉरिजॉन्टल कोर्सेस बाउंडेड टुगेदर विद मोर्टार इज नोन एज द सॉलिड मसनरी वॉल, ठीक है। तो इसको अगर हमने डिफाइन करना हो तो ये एक हॉरिजॉन्टल कोर्सेस हमारे पास होते हैं जिनको हम बांध करते हैं टुगेदर विद द मोर्टार के साथ बांध करते हैं, इसी को हम बोलते हैं सॉलिड मसनरी वॉल, ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट टाइप की वॉल है विनियर्ड वॉल। विनियर्ड वॉल क्या होता है? इन दिस वॉल फेसिंग इज अटैच्ड टू द बकलिंग बट नॉट बॉन्डेड, ठीक है। तो इसमें फेसिंग जो वॉल फेसिंग जो होती है उसको हम अटैच करते हैं बकलिंग से, ठीक है। लेकिन इसमें क्या फर्क होता है? इसमें बॉन्डेड नहीं होती, मतलब इसमें बॉन्ड नहीं हम बनाते। दीज आर यूज इन फ्रेम स्ट्रक्चर, ये फ्रेम स्ट्रक्चर में ही हमारे पास विनियर्ड वॉल यूज होती है। नेक्स्ट हमारे पास फेस्ड वॉल। फेस्ड वॉल की अगर हम बात करें, इन विच द फेसिंग एंड बैकिंग इज कंस्ट्रक्टेड ऑफ टू डिफरेंट मटेरियल्स आर नोन एज फेस्ड वॉल्स, ठीक है। तो इसमें फेसिंग और बैकिंग अगर दो डिफरेंट मटेरियल से हम बनाते हैं तो इसको हम बोलते हैं फेस्ड वॉल्स, ठीक है। देन कैविटी वॉल की अगर हम बात करें, कैविटी वॉल हमारे पास क्या होता है? विच इज कंस्ट्रक्टेड विद टू लीव्स आर नोन एज द कैविटी वॉल, ठीक है। और दो लीव से हम अगर इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसको हम कैविटी वॉल बोलते हैं। द टू लीव्स आर सेपरेटेड बाय द कैविटी एंड जॉइनिंग टुगेदर विद मेटल टाइज। द स्पेस बिटवीन टू लीव्स इज फिल्ड विद नॉन लोड बेयरिंग इंसुलेटिंग एंड वाटर प्रूफिंग मटेरियल। दीज आर यूज टू प्रिवेंट डैम्पनेस, ठीक है। डैम्पनेस को प्रिवेंट करने के लिए यूज होती है हमारे पास, एंड मोर इंसुलेटिंग वैल्यू देन सॉलिड वॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ब्रेस्ट वॉल दिया है और यहाँ पे रिटेनिंग वॉल का स्ट्रक्चर दिया है। तो ये ब्रेस्ट वॉल का स्ट्रक्चर है, ये वी होल हमारे पास है, ये फेस है, यहाँ पे ये वी होल है, ये ग्राउंड लेवल है और ये हमारे पास रिटेनिंग वॉल है, ठीक है। आई होप ये लेक्चर भी आपको समझ में आया होगा। इफ यू लाइक द वीडियोस देन लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।